अच्छे से देखो, प्यार से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, द टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रिसीव्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टार ऑफ रेडियस आर। एक स्टार है, स्टार बोले तो यहाँ फिजिक्स वाला स्टार, ठीक है, स्टार बोले तो यहाँ फिजिक्स वाला स्टार। ए स्टार है एक रेडियस आर का, बॉलीवुड स्टार नहीं, ठीक है, वो स्टार है। अब ये स्टार, हम सबको पता है स्टार जो होते हैं वो एनर्जी रेडिएट करते हैं अलग अलग वेवलेंथ के, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट कर रहा है स्टार, अच्छा सा बना दो। अब ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है ये बात तो हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि इसकी जो वेवलेंथ है बहुत बहुत ज़्यादा वेवलेंथ अलग अलग है, पर एक ऐसी वेवलेंथ है जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, स्टीफेंस लॉ से उसकी, उसको हम उस पावर रेडिएटेड कैलकुलेट करते हैं। अब कहता है इस स्टार से आर डिस्टेंस पर पावर एन टोटल एनर्जी रिसीव्ड निकालना है डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी केल्विन। ये टी केल्विन पे है। अब स्टार से समझना एक कह क्या रहा है, इस स्टार से आर डिस्टेंस पे चले जाओ। चलो आर डिस्टेंस पे चले जाते हैं, ये रहा मेरा आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस ये सारा आर डिस्टेंस ही है, कैपिटल आर डिस्टेंस। तो इस कैपिटल आर डिस्टेंस पे जो एनर्जी रिसीव्ड है पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस वो कितना होगा। टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट डिस्टेंस आर, एनर्जी रिसीव। अब आपको पता होगा कि जो एनर्जी रिसीव्ड जो होती है स्टार की वो किससे देते हैं, स्टीफेंस लॉ से। तो स्टीफेंस लॉ बेटा ये होता है एनर्जी रिसीव्ड इज इक्वल टू सिग्मा इमिसिविटी एरिया टाइम टी टेम्परेचर टी की पावर फोर। टी टाइम में ए सरफेस एरिया लेके कोई जनरल बॉडी कितनी एनर्जी रिलीज की वो ये है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी के लिए ई इज इक्वल टू वन है, और ये एनर्जी रिसीव्ड आ जाएगा सिग्मा ए और एरिया टाइम टी और टेम्परेचर टी की पावर फोर है, ठीक है। ये अभी इसको ऐसे रहने दो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये इसकी रेडियस देखो सिग्मा, इसका एरिया सरफेस एरिया फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर टी टी की पावर फोर, ठीक है। ये दिस इज इक्वेशन नंबर फोर फर्स्ट फॉर द स्टार। ये टी टाइम में जो स्टार है ब्लैक बॉडी मान के चल रहा हूँ वो इतनी एनर्जी रेडिएट किया होगा नॉर इस स्पेस पे, ठीक है। अब हमें ये चाहिए कि नॉर्मल टू द एनर्जी रिसीव्ड नॉर्मल टू द, वो एक्चुअली क्या होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डिफाइन एज एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड आर डिस्टेंस पर, ठीक है। आर डिस्टेंस पर कोई सरफेस है वो कितनी एनर्जी रिसीव करता है उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये पूछा जा रहा भाई। इस फार्मूले को याद कर लो, या ई बाई टी क्या होता है, ई बाई टी पावर होता है, पावर इज इक्वल टू एरिया पावर रिसीव्ड, पावर रिसीव्ड आर डिस्टेंस पे ए सरफेस एरिया पे नॉर्मल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज द इंटेंसिटी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, काफी टाइम काम आएगा, ट्वेल्थ में भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ यहां से उठा के लेके आऊं ई वाई टी, ई वाई टी की वैल्यू, ई वाई टी की वैल्यू यहाँ, ये जो एरिया है वो आर डिस्टेंस वाले का एरिया है, तो ई वाई टी की वैल्यू यहां से लेके आओ तो ई वाई टी आ जाएगा सिग्मा फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल टी की पावर फोर और डिवाइडेड बाई फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ई वाई टी की वैल्यू रख दिए तो फोर पाई ने फोर पाई को, ठीक है, तो सिग्मा सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर फोर, ठीक है, और ये कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन प्यारे बच्चों। सिग्मा थोड़ा मैं आर उतना अच्छा नहीं बनाया हूँ पर यह है तो मेरा आर ही है, सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर फोर, सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर फोर, सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर फोर, ये ए ऑप्शन सही है।